दोस्तों हाल ही में मैंने एक मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम देखा है जिसे राहुल सदाशिवन डायरेक्ट किए हैं। ब्रह्मयुगम को IMDb पे मिले हैं एन अमेजिंग 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज अ व्हॉपिंग 79% ऑडियंस स्कोर। ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है और इस फिल्म की प्रेमिस और वाइब तुम्बाड़ और कांतारा से काफी मिलती जुलती है। तो आज की वीडियो में हम ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी थियरीज ऑफ फोकलोर पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन लग रही है तो मुझे थोड़ी सी सर्दी है, इसलिए ऐसा है। So now with that said, let's roll the intro. तो ब्रह्मयुगम फिल्म 17th सेंचुरी के टाइम पे बेस्ड है और फिल्म की कहानी साउथ मलाबार में बेस्ड है। फिल्म के पहले सीन में हम जंगल में दो इंसान से मिलते हैं जिनका नाम कोरा और थेवन है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये लोग कहीं से भाग रहे हैं और ये दोनों नदी के उस पार जाना चाहते हैं। रात में दोनों जंगल में ही रुकने की ठानते हैं और बीच रात जब थेवन की आंख खुलती है तो वो कोरा को आसपास नहीं पाता। खोजने पे कोरा उसे थोड़ी दूर पे दिखता है जो कि एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आती है जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कोरा इस लड़की को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध था लेकिन थेवन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की एक यक्षी है। थेवन कोरा को होश मिलाने की कोशिश करता है लेकिन यक्षी के डर से थेवन यहाँ से भाग निकलता है और कोरा तो पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था। इसके बाद हम कोरा को यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते देखते हैं जब यक्षी कोरा को मार गिराती है, इनफैक्ट उसका खून पी जाती है। अब अगली सुबह हम थेवन को फिर से देखते हैं जो कि जंगल में भूखा इधर उधर भटक रहा था। वो वाटरफॉल के करीब तक पहुंचता है लेकिन ये वाटरफॉल इतना बड़ा था कि इसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। भटकते हुए थेवन एक बड़े से मैंशन तक पहुंचता है जो कि काफी पुराना दिख रहा था। वो मैंशन के अंदर रखा नारियल खाने लगता है जब मैंशन के अंदर रह रहा एक आदमी उसे टोकता है। तभी मैंशन का ओनर भी यहाँ बाहर आता है और वो थेवन से बात करने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मैंशन के ओनर का नाम कोडुमन पोट्टी था और दूसरा आदमी उसका कुक था। थेवन कहता है कि वो काफी भूखा था इसलिए अंदर भोजन की तलाश में आ गया। पेशे से थेवन एक पानन था, बेसिकली वो लोग जो पुराने जमाने में राजा लोग के लिए दरबार में गाना वगैरह गाया करते थे। पोट्टी थेवन को एक गाना सुनाने कहता है और थेवन गाना गाने लगता है। अब पोट्टी को थेवन की ये गीत बहुत पसंद आती है इसलिए पोट्टी उसे यहीं रहने की इजाजत दे देता है। इनफैक्ट वो थेवन को खाना भी ऑफर करता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म के इस सीन में कास्टिज्म पे बहुत फोकस करा गया है। पोट्टी को एज ब्राह्मण दिखाया गया है, वहीं थेवन एक गाने वाला है जिसे नीच जाति का बताया गया है। डायरेक्टर ने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि कैसे थेवन और यहाँ का कुक अपने आप को निचली जाति का मानते हैं और पोट्टी ऑटोमेटिकली थेवन का काइंड ऑफ मास्टर हो गया है। ये बातें फिल्म में होने वाले कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं और एक्सप्लेनेशन में आपको कॉन्वर्सेशन तो नहीं बता सकता, इसीलिए इस बात को मैं अलग से पॉइंट आउट कर दिया हूँ। खैर, तो आगे कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और मैंशन घुमाते वक्त थेवन को एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि थेवन अगर सही सलामत रहना चाहता है तो वो मैंशन के साउथ वाले हिस्से को कभी एक्सप्लोर ना करे। साथ ही इस मैंशन में अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं और थेवन इनके राज को सुलझाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है, उसे इन आवाजों को इग्नोर करना है। ना उस रात थेवन पेट भर के खाना खाता है, देन पुट्टी को गाना सुनाता है और देन भोजन के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये सुनके पुट्टी थोड़ा भड़क जाता है सेइंग कि खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। ये सीन बहुत ही वियर्ड सा था लेकिन इससे अजीब अगला सीन था जहां हम कुक को सीक्रेटली किसी के लिए खाना ले जाते देखते हैं। नाउ थेवन जब आसपास घूम रहा होता है तो उसे बाहर कई गड्ढे दिखते हैं जिन्हें अब भर दिया गया था, क्लियरली इंडिकेटिंग कि इन गड्ढों में कभी तो इंसानों के लाश को रखा गया होगा। थेवन फौरन यहां से भागता है और मैंशन के अंदर उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाज को फॉलो करते हुए थेवन ठीक वही जगह पहुंचता है जहां हम कुक को खाना ले जाते देखे थे। ये ऊपर का कमरा था जहां थेवन को वाकई जंजीर दिखती है और वहां एक प्लेट खाना भी रखा हुआ था। थेवन फील करता है कि कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसके करीब आ रहा था और इससे डर के थेवन यहां से निकल लेता है। अब अगली सुबह जब थेवन मैंशन में घूम रहा होता है तो वो पोट्टी को अकेले एक बोर्ड गेम खेलते देखता है। ये वही बोर्ड गेम है जिसमें पाशे फेंके जाते हैं और जुआ भी लगाया जाता है। पोट्टी यहां थेवन को गेम खेलने इनवाइट करता है और कुछ दाव पे लगाने भी कहता है। थेवन कहता है कि उसके पास तो कुछ दाव पे लगाने के लिए है ही नहीं और ऐसे में पोट्टी कहता है कि वो अपना समय दाव पे लगा सकता है, यानी कि अगर थेवन ये बोर्ड गेम जीता तो वो यहां से जा सकता है लेकिन अगर वो हारा तो उसे जिंदगी भर इसी जगह पे रहना होगा। थेवन इतना कुछ दाव
दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में पुट्टी उससे पाशे वापस मांगता है। लेकिन जैसे ही थेवन पाशे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पुट्टी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे पाशे बोर्ड पे गिरते हैं और गेम शुरू हो जाता है। थेवन को न चाहते हुए भी ये खेल खेलना होता है और अंत में एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पुट्टी को जीतने के लिए दोनों पाशों में 6 चाहिए था। पुट्टी पाशा फेंकता है जहां एक में 6 आता है लेकिन दूसरे में 1 आता है। लेकिन एकदम से पुट्टी काइंड ऑफ अपने पाशे को टेलीकाइनेटिकली हिला देता है, जिससे उसमें भी 6 आ जाता है। यानी कि पुट्टी इस खेल को जीत गया था और वो इससे काफी खुश नजर आता है। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और थेवन वहां आकर उससे बातें करने लगता है। ये कुक पुट्टी की काइंड ऑफ बुराई करते हुए कहता है कि जल्दी तुम्हें पुट्टी का असली चेहरा दिख जाएगा। अब उस रात पुट्टी खाना खा रहा होता है और नीचे थेवन भी अपने भोजन के साथ बैठा था। यहाँ पुट्टी थेवन की माँ के बारे में कुछ तो कहता है और ये सुनकर थेवन आश्चर्य में था, क्योंकि उसने कभी भी पुट्टी से अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुट्टी को थेवन की जिंदगी के बारे में सब पता है। लाइक वो पहले एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था और वहीं से भागते वक्त वो भटक गया और इस मैंशन तक पहुंच गया। यहाँ पुट्टी थेवन से ये तक पूछ बैठता है कि आज कुक तुम्हें मेरे खिलाफ क्या सब बोल के भड़का रहा था। थेवन डर के कहने लगता है कि कुक तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पुट्टी उसकी बात नहीं मानता। पुट्टी कहता है कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है और पिछला जो मेरा सेवक यहाँ था वो कुक के चक्कर में मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा। अब कोई भी मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसके परिणाम अनुसार मुझे उसे मारना पड़ा। और ऐसे ही लोगों की लाश तुम मैनसन के सदन एंड वाले ग्राउंड पे भी देखे होगे। ये सुनकर थेवन बहुत डर जाता है और तभी कुक इस कमरे में आता है। पुट्टी यहाँ कुक को भी भला बुरा कहने लगता है और सरप्राइजिंगली कुक पुट्टी को वापस जवाब देने लगता है। पुट्टी गुस्सा कर कुक को अपनी नजरे और सर झुकाने कहता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। तभी एकदम से पूरा मैंशन काइंड ऑफ हिलने लगता है और पुट्टी अपना हाथ आगे करके कुक को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये किसी मैजिक या टेलीकिनेसिस जैसा था और पुट्टी कुक को चोक करने लग जाता है। थोड़ी देर तक कुक को चोक करने के बाद पुट्टी उसे छोड़ देता है और ये सब देख के थेवन एक बात तो समझ गया था कि पुट्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। तो पिटने के बाद कुक अपना मुंह हाथ धो रहा था और थेवन उससे पूछने लगता है कि आखिर ये पुट्टी क्या है, आई मीन सॉसर है या किसी तरह का एंटिटी है। इस पॉइंट पे कुक थेवन को पुट्टी की पूरी बैक स्टोरी बताता है। दरअसल पुट्टी के परिवार में एक बहुत बड़े वेदाचार्य टाइप थे कोई, जो कि वराहा देव का पूजा करके उन्हें खुश करते हैं। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं जिससे जो मांगो वो विश पूरा हो जाएगा। कैसे? वेल, बॉक्स के अंदर एक चत्तन करके एंटिटी था जिसे इंग्लिश सबटाइटल्स में गॉब्लिन लिखा गया था, वही विशेष पूरी कर रहा था। अब पुट्टी के परिवार वाले चतन को ही बंदी बना लेते हैं और उससे अपना मतलब निकालते हैं। ऐसे में एक बार चतन अपना मुंह खोल के हेड ऑफ द फैमिली को दिखाता है, सेइंग कि इसके अंदर तुम्हें नर्क दिखेगा। मीनवाइल वो पुट्टी फैमिली के हेड के सोल को कंज्यूम करता है अपना मुंह खोल के। इसके बाद चतन परिवार में सबको मारने लगता है, बेसिकली सबके सोल को कंज्यूम करता है और उसे हैंडल करने बड़े से बड़े सॉसरर्स और विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी चतन को रोक नहीं सका और अंत में आया इस परिवार का एक आदमी जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना कोडुमन पुट्टी था। अब हमें बताया तो नहीं जाता कि कोडुमन पुट्टी चतन को हराने में कामयाब हुआ कि नहीं, बस इतना पता चलता है कि तब से पुट्टी खानदान में सिर्फ कोडुमन पुट्टी ही बचा है जो कि इस मैंशन में अकेले रहता है। खैर, उस रात थेवन यक्षी को मैंशन में आते देखता है जो कि पुट्टी के साथ इंटीमेट हो रही थी। खैर, अब अगली सुबह थेवन एकदम डरा हुआ था और वो मैंशन से भाग जाने की सोचता है। वो कुक को भी साथ में भागने कहता है लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। थेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है कि तभी पुट्टी वहां आ जाता है। थेवन डरते हुए कहता है कि वो यहां से जाना चाहता है और पुट्टी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। अब ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि इस जगह पे बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन पुट्टी के ऐसा कहते ही यहाँ एकदम जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पुट्टी ये तक कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है, एक बार तो लगातार 3 साल तक बारिश हुई थी। अब रात को हम पुट्टी को थेवन पे गुस्सा होते देखते हैं, सेइंग कि वो भी उसके पहले वाले सेवकों की तरह बेवकूफ है। वो अब डरने लगा है और ऐसे में पुट्टी को थेवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब आप व्यूअर्स जानते हैं कि अगर पुट्टी अपने किसी सेवक से नफरत करने लगे तो समझो उसके मरने का समय अब नजदीक है। इस पॉइंट तक थेवन बहुत डर चुका था और ऐसे में कुक उसे सेलर में ले जाके थोड़ा मदिरा देता है। मदिरा पी के थेवन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है, लाइक कैसे उसकी माँ बहुत मेहनती है, वो उसका इंतजार कर रही होगी, उसका घर एक नदी किनारे है और उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए कान की बाली लाई थी जिसे वो पहना रहता है। खैर, इन बातों के बाद जब थेवन सोने जाता है तो उस रात उसे एक डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी और थेवन देखता है कि कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां पिछले सेवकों के लाश को दफनाया गया।
गया था। ये देखकर थेवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है और इसलिए वो बारिश में ही यहाँ से भागता है। अब जैसे ही थेवन मैंशन के द्वार से बाहर निकलता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिस वजह से उसे वापस मैंशन आना पड़ता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा था और पुट्टी कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे, जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के जाते, चलो अब एकदम नतमस्तक होकर यहाँ से जाने की इजाजत मुझसे मांगो। थेवन यहाँ पुट्टी के पैर पकड़ के उससे यहाँ से बाहर जाने की गुहार करता है, लेकिन पुट्टी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अनुरोध को नकारता हूँ। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि यहाँ से इंसानों का निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि पुट्टी भागने वाले इंसान को खून की उल्टी करवाने लगता है। खैर, इसके बाद थेवन कुक से मिलता है और कुक यहाँ कुछ और राज खोलता है। वो थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ जंजीर थी, और वहाँ थेवन एक लाश देखता है। ये लाश कोडुमन पुट्टी की थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे रिवील होता है कि जब कोडुमन पुट्टी चत्तन से लड़ने गया था तो वो भी चत्तन को हरा नहीं पाया। इसके परिणाम अनुसार चत्तन अब उसका रूप लेके इस मैंशन पे राज करता है और वो असली पुट्टी को यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा था। आज असली पुट्टी अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसके लाश को ही दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स भी समझ चुके थे कि इस मैंशन पे चतन राज कर रहा है, जो कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी है। तभी तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, उसे अपने सेवकों के बारे में सब पता रहता है और वो सब की बात भी काइंड ऑफ सुन लेता है जो भी लोग मैंशन में बात करते हैं वगैरह वगैरह। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक उपाय है और वो उपाय यहां के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक लॉक्ड चेंबर है, जिसे हम तहखाना कह सकते हैं, और उसमें किसी तरह का शाश्वत दिया जल रहा है, यानी कि ऐसा दिया जो कि कभी बुझा ही नहीं है। तो अगर उस दिए को बुझा दिया गया तो पुट्टी यानी चत्तन कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये थी कि वो चेंबर लॉक्ड है और उसकी चाबी कहाँ है ये पुट्टी के अलावा किसी को मालूम नहीं। इनफैक्ट पुट्टी तो इस चेंबर के ऊपर ही मंडराता रहता है, उसकी रक्षा करता है। मोरओवर कुछ टाइम बाद इस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस जगह का प्रभाव ऐसा है कि लोग यहाँ अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए कुक थेवन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कब से यहाँ हो। थेवन कहता है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था, और ऐसे में कुक पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे या फिर कुछ महीनों पहले यहाँ आए थे। जी हाँ दोस्तों, थेवन को यहाँ रहते हुए महीनों हो गए थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। यहाँ कुक थेवन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है, एंड टू अ सरप्राइज थेवन अपना ही नाम भूल चुका था। इनफैक्ट उसे अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। इन चीजों को देख थेवन डिसाइड्स कि वो किसी तरह उस चेंबर की चाबी को हासिल करके रहेगा। थेवन सीधा पुट्टी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरे साथ एक बार बोर्ड गेम खेलो। पुट्टी कहता है कि अब तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है, और थेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है। अब चाबी सुनते पुट्टी अपने कमर पे हाथ रखता है, विच इंडिकेटेड कि पुट्टी चाबी को अपने वेस्टी में कमर के पास बांध के रखता है। यह पता लगते थेवन तुरंत बात बदल के कहता है कि आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है, तो वो आजादी की चाबी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। पुट्टी यहाँ थेवन की बातों को धुतकार के चला जाता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता। खैर, तो कुक और थेवन प्लान करते हैं कि आज रात कुक मस्त खाना बना के पुट्टी को बहुत खिला देगा, जिससे पुट्टी सो जाएगा और तब थेवन चाबी चुरा लेगा। कुक खाना बनाने लगता है कि तभी रसोई में पुट्टी आके कुक को चोक करने लगता है। एक सेकंड के लिए हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है मानो पुट्टी को इनका प्लान पता चल गया है, लेकिन ऐसा शायद नहीं था, या फिर शायद था, आगे बताऊंगा। बट इस पॉइंट पे पुट्टी तो कुक को सिर्फ इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि कुक कुछ दिनों पहले थेवन को मदिरा पिला दिया था, जो कि सिर्फ पुट्टी का है, बाकी किसी का नहीं। कुक फौरन पुट्टी से माफी मांगता है और पुट्टी उसे वार्न करके यहाँ से चला जाता है। तो उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है, जहाँ पुट्टी खा पी के मस्त सो जाता है। थेवन एक चाकू लेकर पुट्टी के पास जाता है और उसके कमर के पास चाबी ढूंढने लगता है, बट सरप्राइजिंगली थेवन को चाबी नहीं मिल रही थी। तभी एकदम से पुट्टी उठता है और थेवन पे हमला कर देता है। पुट्टी यहाँ अपना मुंह खोल के थेवन को उसके अंदर देखने कहता है, ताकि वो थेवन की आत्मा खींच सके, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि कुक अपना ही एक अलग प्लान अपने मन में ही बना के रखा था, जिसके बारे में ना तो थेवन को पता था ना ही पुट्टी को। दरअसल जब पुट्टी कुक पे रसोई में हमला किया था, तभी कुक चुपके से उसके पास से चाबी चुरा लिया था। इस पॉइंट तक तो कुक बेसमेंट में जाके उस चेंबर यानी तहखाने को खोल के वहां के दिया को बुझा दिया था, जिस वजह से एकदम से पुट्टी रुक गया। पुट्टी यहाँ से चला जाता है और थेवन कुक से मिलके उस पे भड़कने लगता है कि तुम तो मुझे भी धोखा दे दिए, कुछ अलग ही प्लान कर दिए। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था, मोरओवर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें उस चत्तन को मैजिकल बॉक्स में कैद करना है जिसमें से वो पहली बार निकला था, तभी हम इस मैंशन से बाहर निकल सकते हैं, और यही मौका है क्योंकि चत्तन अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेके चत्तन को ढूंढने उसी चेंबर में जाते हैं और चत्तन इनके सामने आता है। चत्तन इन्हें मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन कुक बहुत तेज था और वो चत्तन की बातों में बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट कुक थेवन को भी वार्न
वार्निंग दे दिया था कि चत्तन के चाल में कभी मत फंसना। अब इस पॉइंट पे एक और बात रिवील होती है, दरअसल ये कुक कोडुमन पोट्टी का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, पोट्टी का किसी निचली जाति की औरत के साथ अफेयर था और उसी से ये कुक पैदा हुआ था। तो भले कुक निचली जाति का है लेकिन उसके अंदर पोट्टी खानदान का खून दौड़ रहा था। यहाँ कुक कहता है कि कोई भी इंसान ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से भी होता है। इसके बाद थेवन और कुक मिलकर नकली पोट्टी यानी चत्तन पे हमला बोल देते हैं। चत्तन अब भी इन पे अकेले भारी पड़ रहा था और लड़ाई के दौरान कुक और थेवन अलग भी हो जाते हैं। हम पूरे मैंशन के कॉरिडोर को घूमता और सिकुड़ता देखते हैं जिसमें कुक और थेवन लुढ़क रहे थे और फंस गए थे। स्टिल थेवन खुद को आजाद करता है और कुक भी संभल के चत्तन पे हमला करता है। पोट्टी यानी चत्तन यहाँ कुक को अपना बेटा बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। एक पॉइंट पे ये दोनों मिलके चत्तन को ओवरपावर करते हैं, उसे स्टैब वगैरह करते हैं और कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पोट्टी के शरीर को आग लगा देता है और ये आग फैल के मैंशन में भी काइंड ऑफ लगने लग जाती है। आग से पोट्टी पूरी तरह जल जाता है और फाइनली हम उसके शरीर से चत्तन को बाहर निकलते देखते हैं, यानी कि दोस्तों हमें चत्तन का असली रूप देखने को पहली बार मिला। चत्तन काफी डरा हुआ था और छुप रहा था और कुक अब अंगूठी पहन के चत्तन का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। थेवन कुक को ये कह के रोकता है कि अगर तुम मास्टर बने तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा जहां तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोर को प्रताड़ित करोगे। इन द एंड हमेशा कमजोर लोग ही प्रताड़ित होते हैं और इसीलिए तुम इस अंगूठी को मत पहनो। लेकिन दोस्तों कुक थेवन की एक सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में थेवन और कुक में लड़ाई छिड़ जाती है जहां ये दोनों एक दूसरे को बहुत चोटिल करते हैं और चत्तन चुपचाप इनका खेल देख रहा था। अब तक मैंशन में आग फैल चुका था जिसके कारण ये पुराना मैंशन पूरी तरह से गिर जाता है, मतलब टूट जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां थेवन इस मैंशन से बाहर निकल रहा था। इस बार वो बिना खून की उल्टी किए यानी कि आसानी से बाहर आ पाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से कुक उस पे हमला कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थेवन के पास अंगूठी थी और कुक को वो अंगूठी वापस चाहिए थी। इस हाथापाई में कुक नोटिस करता है कि थेवन के कान की जो इयर रिंग थी वो नहीं थी और थेवन थोड़ा अजीब भी बिहेव कर रहा था। ये देखते कुक रियलाइज करता है कि ये तो थेवन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम व्यूअर्स को मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ असली थेवन तो मैंशन के टूटने से उसमें दब के मारा गया था। चत्तन अब थेवन का रूप ले चुका था और उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखते कुक वहां से भागता है और नदी किनारे वो चिल्लाने लगता है। तभी कोई तो कुक को गोली चला के मार देता है और हम ये समझ पाते हैं कि ये काम पोर्तुगीज सोल्जर का था जो कि उस एरिया के आसपास घूम रहे थे। यहाँ नोट करने वाली एक और बात है कि चत्तन मूवी में काफी पहले कुक से कहा था कि तुम्हारी मौत बिजली गिरने से होगी और कुक के लिए ये गोली बिजली गिरने जैसा था, यानी चत्तन की बात काइंड ऑफ सही हुई। खैर इसके बाद हम थेवन को देखते हैं जो कि अभी असल में चत्तन है और वो अपना हाथ मुंह पानी में धोता है। पानी में से पुट्टी की रिफ्लेक्शन दिखती है डिपिक्टिंग कि वो भी अब पुट्टी जैसा हो गया है, यानी नॉट ओरिजिनल पुट्टी बट चत्तन वाला, क्योंकि चत्तन अब थेवन के रूप में है। थेवन यहाँ वो अंगूठी पहन लेता है यानी कि उसका अब उस पर कंट्रोल है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मयुगम फिल्म की कहानी एंड आई नो कि अभी आपके मन में कई सवाल होंगे। डोंट वरी, मैं अब काफी सारी थियरीज डिस्कस करने वाला हूँ जिसके दौरान मोस्टली आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल यही होगा कि फिल्म का नाम ब्रह्मयुगम क्यों है। वेल, इसकी एक्सप्लेनेशन पुट्टी हमें फिल्म में ही दिया है जो अब मैं आपको बताऊंगा। पुट्टी कहता है कि अभी कलयुग चल रहा है और उसमें भी एक ब्रह्मयुग चल रहा है। ब्रह्मयुग बोले तो कलयुग का एक तरह से सबसेट। ब्रह्मयुग की खास बात यह है कि इस युग में भगवान इंसानों से बहुत दूर जा चुके हैं, यानी कि नो मैटर आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी पुकारो, कितना भी भजन करो, भगवान आपकी एक नहीं सुनने वाले। देखा जाए तो मूवी का थीम भी ऐसा ही कुछ है जहां इन द एंड चत्तन ही जीतता है, वहीं कुक और थेवन हार जाते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि इस फिल्म में यक्षी का क्या काम था। वेल, यक्षी भी चत्तन की तरह एक सुपरनैचुरल बीइंग थी और यक्षी के कारण ही लोग रास्ता भटक के चत्तन के मैंसन तक पहुंचते थे। देखा जाए तो निशली दो लोग भाग रहे थे और इसमें से यक्षी एक बंदा यानी कोड़ा को खुद कंज्यूम की, वहीं दूसरे को चत्तन तक पहुंचा दी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यक्षी और चत्तन आपस में मिले हुए थे, तभी तो फिल्म में हम इन दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। नाउ अगला कंफ्यूजन ये है कि अगर चत्तन को इस मैंशन में होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी तो वो इन दोनों के प्लान को क्यों नहीं सुन पाया। वेल, अगर आप गौर से देखो तो चत्तन इनके प्लान को ऑलरेडी समझ गया था, तभी तो थेवन उसके पास से की चुरा नहीं पाया। इनफैक्ट चत्तन बस सोने का नाटक कर रहा था। वो तो कुक इस प्लान को पहले ही बदल दिया और उसके मन में ये प्लान था, इसलिए चत्तन धोखा खा गया, वरना प्लान तो उसे समझ आ ही गया था। एक और यहाँ सटल डिटेल ये है कि पूरे फिल्म में हमें कुक का नाम कभी बताया ही नहीं गया। दिस पॉइंट
points out two things. First ये कि लोग यहाँ आके सब कुछ भूल जाते हैं including their name, और शायद इसलिए कुक का नाम कभी आया नहीं. बट हाँ, यहाँ contradicting point ये हो सकता है कि कुक को अपने family history के बारे में तो सब याद था. तो आप जिस भी theory में believe करो उसमें कर सकते हो. यहाँ मैं आपको दूसरा point बता देता हूँ कि कुक का character ज़्यादा important था और उसकी सोच, motives and all that, तो वो important थी, इसलिए उसका नाम बताया ही नहीं गया था कि हम उस पर कभी focus करें ही नहीं. ये kind of a clever trick था director का. अब आप ये भी पूछ सकते हो कि mansion में तो कई नौकर आते थे और वो सब मारे जाते थे, लेकिन ये कुक यहाँ काफी देर टिका रहा, ऐसा कैसे हुआ? Well, इसका जवाब पुट्टी हमें फिल्म में खुद ही दिया है. पुट्टी क्लियरली कहा था कि वो उसी को मारता है जो अपना काम छोड़ देते हैं. Like गायक गाना गाना छोड़ दे और डरने लग जाए तो वो कोई काम का नहीं रहा. वैसे ही अगर नर्तक नाचना छोड़ दे तो वो भी काम का नहीं रहा. लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कुक पूरे फिल्म में हमें हमेशा अपना काम पूरे तन मन से करता दिखा है, जिस वजह से वो यहाँ इतने दिनों तक टिका रहा, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपना कुकिंग का काम, इनफैक्ट घर का और भी दूसरा काम अच्छे से कर रहा था. अब इस फिल्म मुझे एक बात बस थोड़ी अजीब लगी, और वो ये कि हमें रिंग के बारे में एकदम एंड में बताया गया. आई मीन शुरू से रिंग का कोई चर्चा ही नहीं था, और एंड में एकदम से हमें पता लगता है कि रिंग पहन के आप चतन के ऊपर अपना पावर जता सकते हैं, या अगर चतन रिंग ले लिया तो वो काइंड ऑफ रूल करेगा. फिल्म में जब बैक स्टोरी भी बताई गई थी तो वहां भी रिंग का कोई चर्चा नहीं था. तो हाँ, ये रिंग वाला ट्विस्ट एंड में थोड़ा सा अजीब लगा, बट स्टिल अच्छा था. वैसे फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट होना कई चीजों को पॉइंट करता है. सबसे पहले तो इस स्कीम में व्यूइंग एक्सपीरियंस फिल्म का और भी बेटर हो गया था, स्पेसिफिकली इस वाले फिल्म का. आई मीन माहौल काफी क्रीपी लग रहा था एंड ऑल दैट. मोरओवर, ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम 17th सेंचुरी के कहानी को कहीं ना कहीं ज्यादा डेप्थ के साथ डिपिक्ट करती है. अब एक और पॉइंट जो लोग बना रहे हैं वो ये कि फिल्म के लास्ट में पोर्तुगीज सोल्जर का आना एक नए युग के शुरुआत होने की तरफ पॉइंट करता है. आई मीन कलयुग के अंदर ही एक दूसरा युग, लाइक अ सबसेट, जैसा मैंने पहले बताया था. वैसे यहां अजीब बात ये थी कि चत्तन भी अब उस जगह से आजाद हो गया है. मैं आजाद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फिल्म में एक जगह चत्तन मेंशन करता है कि वो भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन दिया के बुझने से और जो सब कांड हुआ उस सब से ऐसा लग रहा है कि चत्तन भी बाहर जाने के लिए आजाद हो चुका है. अब आगे जाके वो क्या करेगा, किसको अपना गुलाम बनाएगा, किधर रूल करेगा, ये तो हमें नहीं पता. अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट टाइम का है. आई मीन इस मेंशन के अंदर टाइम कहीं ना कहीं बेंड हो रहा था, या फिर लोगों को समय का आभास नहीं होता है. थेवन को लग रहा था कि वो केवल कुछ दिनों से यहाँ है जबकि वो महीनों से इस जगह पे था. फिल्म में डायरेक्टर ने भी इस बात को बहुत क्लेवरली दिखाया है, जहां जब पहली रात थेवन वहां रहा था तो हाफ मून था और अगले दिन पूरा फुल मून था. तो हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन रहा है, लेकिन अगर आप मून को देखो तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी दिन रह चुका था. ओवरऑल ब्रह्मयुगम फिल्म ग्रीड, पावर और कास्ट के मैटर को लेकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है. यहां में दिखाया गया है कि एब्सोल्यूट पावर किसी तरह के इंसान को या फिर किसी तरह के डेटी तक को करप्ट कर देता है. चतन इनिशियली एक नॉर्मल सा सुपरनैचुरल बीइंग था, लेकिन पुट्टी लोग पावर का गलत इस्तेमाल करके चतन को परेशान किए. ऐसे में चतन जब पावर में आया तो वो भी अपने से कमजोरों को सताया, और मूवी के एंड में कुक भी इस पावर को हथियाने के लिए तैयार था. पॉइंट ये है कि जहां भी कोई ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने से कमजोर को जरूर दबाएगा, और यही दुनिया की सच्चाई है. इसी बात को फिल्म बहुत ही खूबसूरती से डिपिक करती है. साथ ही यहाँ ऊंची जाति और निचली जाति का भी वर्णन कई बार हुआ है, जो कि यूजुअली कॉन्वर्सेशंस के बीच रहता था और उन दोनों के कास्टिज्म वाली बात को दर्शाता है. मूवी के एंड में चतन के हाथ में ही पावर रह जाती है और शायद वो बाहर जाकर और को अपने अंदर रखेगा, यानी अपने जाल में फंसाएगा. जाल से याद आया, फिल्म मकड़ी पे भी 2-3 बार फोकस किया है डिपिक्टिंग कि कैसे लोग चतन के जाल में फंस जाते हैं, जैसे मकड़ियां अपने प्रिय को फंसाती है. अब अगर आप वीडियो में यहां तक बने हैं तो मैं आपको थोड़ी फोकलोर भी बता देता हूं. तो सबसे पहले बात करते हैं यक्षी की. कहा जाता है कि यक्षी, जिसका रियल नेम श्रीदेवी या चिरुदेवी था, वो एक कोर्टसन थी जिसके कई हाई और माइटी क्लाइंट्स थे. वो अपने आशिकों की जिंदगी के साथ खेलती थी और इस हद तक जाती थी कि कई लोग उसके चक्कर में आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए. लेकिन वो भी एक कुंजू रमन नामक इंसान के प्यार में गिरी, जो कि उसका पालकी उठाता था. अब कुंजू रमन शादीशुदा था और वो चिरुथेवी को नकार दिया. ऐसे में चिरुथेवी कुंजू रमन की बीवी को मारने का सोचने लगी, और ये बात कुंजू रमन को पता लग गई. इसलिए कुंजू रमन एक रात चिरुथेवी के साथ सोने का नाटक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो रिबॉर्न हुई एज यक्षी. जन्म के बाद ही वो एकदम से एक ब्यूटीफुल वुमन में ट्रांसफॉर्म हुई, और तब से वो जंगलों में मर्दों का रास्ता भटका देती थी या फिर उन्हें अपना शिकार बना के उनका खून पी जाती थी. वैसे मैं आपको बता दूं कि यक्षी कुंजू रमन को परेशान करने लगी थी, और ऐसे में उसकी वाइफ कुछ तो डील की यक्षी के साथ. अब इस डील को लेकर हर जगह अलग अलग बातें कही जाती है, तो मैं इस पे एकदम क्लियर नहीं हूं, लेकिन यहां कुछ टेंपल बनाने की बात हुई थी और वो कुंजू रमन के साथ 1 साल के लिए कोहैबिट कर सकती थी. तो ऐसा कुछ फोकलोर है यक्षी का, और अगर यहां मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको वही बताया है जो मैं इंटरनेट पे खोज पाया. इनिशियली मुझे इस टॉपिक की नॉलेज नहीं थी. मूविंग टू चट्टन, वेल उन्हें कुट्टी चट्टन भी कहा जाता है, जो कि एक भगवान नहीं बल्कि आप डेटी कह सकते हैं. चतन को एक बॉय की तरह बताया गया है, जो कि
मिस्चीवियस है और करप्ट भी है। चतन किसी का भी भेस ले सकते हैं और इन जनरल चतन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर उनको प्रताड़ित किया गया तो वो उससे कभी नहीं भूलते और उसका बदला जरूर लेते हैं। फिल्म में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जहां इनिशियली उसको पुट्टी लोग परेशान किए, जिसके बाद ही चतन इस तरह से बन गया। और फिल्म में यही बताया गया है कि चतन को मारा नहीं जा सकता, या तो वो रूल करेगा या फिर कोई और उन पे रूल करेगा। तभी कुक चतन को मैजिकल बॉक्स में बंद करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, क्योंकि मर तो हो सकता ही नहीं। कई फोकलोर्स में ऐसी कहानी है जहां लोग चतन से अपनी बिडिंग करवाते हैं, और ब्रह्मयुगम की कहानी भी उसी से इंस्पायर्ड है। ऑल्दो ब्रह्मयुगम की कहानी काफी डार्क और डीप जाती है, जबकि चतन का डिपिक्शन इन जनरल थोड़ा लाइट हार्टेड रहता है। जो भी हो, यहां मैंने आपको पूरे फिल्म की कहानी बता दी है, दिन से जुड़ी कुछ थियरीज बताई है, आपके कुछ सवाल हो तो उसको भी मैंने आंसर कर दिया है, स्टिल कुछ सवाल बचा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पूछ सकते हैं। इन सब के अलावा मैंने फोकलोर पे भी थोड़ा सा बात कर लिया है, तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ इस फिल्म को लेकर कवर कर दिया है। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, उसे पॉइंट आउट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।